कुरम में हुकूमती वफ्द के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई। हुकूमती वफ्द हालात का जायजा लेने के लिए रवाना हुआ था। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफ्द में सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कोहार्ट शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं। डायरेक्टर के पी इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? देखिए, जब ये हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर रहा था और ये इंतहाई हाई लेवल डेलीगेशन है जिसमें सूबे के चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा उनके साथ वजीर कानून भी थे और ब्यूरोक्रेसी के होम सेक्रेटरी और बाकी सारे वफूद का हिस्सा वो लोग थे जो सिक्योरिटी के मामलों को सूबे में देखते हैं और आला हुकाम। जिस टाइम ये पाड़ा चिनार में लैंड कर रहे थे तो बकोले एक मेंबर के और सिक्योरिटी ऑफिशियल के जो वहां पर मौजूद थे उन पर जो है एक पूरी मैगजीन जो है वो फायर की गई है, लेकिन उसमें से कोई गोली जो है वो लगी नहीं हेलीकॉप्टर को। वो सेफली लैंड कर गए हैं और अभी जिरगा जो है वो इन प्रोग्रेस है। जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी भी कुरम के अंदर जो है वो हालात जो है वो कशीदा है और तकरीबन तीन ऐसे जगहें हैं जहां पर अभी भी एक्टिव जो है वो जंग जारी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को वहां पर आप तैनात करेंगे और अभी तक जो हुआ उस पर अफसोस है, लेकिन आगे किसी को कानून जो है वो हाथ में नहीं लेने। ठीक है, शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस, अपडेट किया आपने।